हमको क्या बात, हम बता करके ब्लैकमेल करें क्या कि वो कहेंगे कि दबाव का राजनीति कर रहा है? जब उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी मंत्रालय के अंदर में, तो सिर्फ खाली नाकामियों को उनके कंधे पर डालने के लिए थोड़ी विभाग होता है। हमको जितना कहना था हमको आज हम इस्तीफा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं नमालोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार का सियासी पारा जो है काफ़ी चढ़ चुका है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी इस्तीफा देने जा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ हमसे कुछ देर पहले लाइव स्ट्रीम से बातचीत करते हुए कह दिया कि बिहार में अफसरशाही है पूरी तरीके से, और नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं। आखिर जब जनता हमारे पास आती है तो हम कैसे उनका काम करके दें, ये सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी ओर आज भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी कह दिया कि बीजेपी के 80% मंत्रियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने खूब पैसा कमाया है, अगर उनके घर पर छापा मारा जाए तो 10 से 15 करोड़ रुपए हर एक मंत्री के घर पर होंगे, यानी कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल भी चल रहा है। देखिए, विपक्ष की तमाम जितनी बातें हैं अब वो सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं। एक तरफ जहां ट्रांसफर पोस्टिंग की बात को उठा रहे थे बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि अक्सर विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी कहते हैं, वहीं तेजस्वी यादव बार बार ये भी कहते हैं कि बिहार में अफसरशाही कायम है। इस बात को मदन सहनी ने भी कह दिया है और इस्तीफा अपना पेश कर दिया है। उन्होंने इस्तीफा टाइप कराकर अब कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, यानी कि अब मदन सहनी जब इस्तीफा देने जा रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता भी सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के नेता अब काफ़ी भीतर खामे में खुश हैं। तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले दावा किया था कि बिहार में 2-3 महीने में सरकार गिरने वाली है, तो क्या ऐसा होने वाला है? शक्ति सिंह यादव आरजेडी के नेता क्या कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से आहत अतन पिछड़ा का बेटा और राज्य के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है, और हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार में काम करते हैं, क्योंकि जो संस्थागत भ्रष्टाचार को जो अंजाम देते हैं, जो कमज़ोर है, कमज़ोर वर्ग का है, वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के डर से चुप्पी साधे रखता है। मदन सहनी जी की हालत, वो अधिकारी नहीं सुनता, कर्मचारी नहीं सुनता, स्वाभाविक तौर पर विभागाध्यक्ष जो मंत्री है जब उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी मंत्रालय के अंदर में, तो सिर्फ खाली नाकामियों को उनके कंधे पर डालने के लिए थोड़ी विभाग होता है। इन परिस्थितियों में अगर वो पेशकश की है, इस्तीफे की पेशकश, तो गंभीर मामला है। नीतीश कुमार जी की आभा डूब चुकी है। नीतीश कुमार निरंकुश हैं, अधिनायकवाद के प्रोधा हैं, और यही कारण है कि एक एक करके आने वाले कल में हर एक विधायक नीतीश कुमार जी को छोड़ करके अलग रास्ता का अख्तियार करेंगे। तो आपने सुना आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है। हालांकि बिहार में सियासी पारा काफ़ी गरमाया हुआ है, मदन सहनी इस्तीफा देने जा रहे हैं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है, करोड़ रुपए बिहार सरकार के मंत्री ले रहे हैं, तो ऐसे में इन तमाम बयानबाजियों पर क्या सत्ता पक्ष के लोग जवाब देंगे, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन क्यों ऐसे अचानक हो रहा है? क्या विपक्ष पूरी मजबूती के साथ पर्दे के पीछे से तैयारी कर रहा है? क्या बिहार में सच में सरकार बदलने वाली है? क्या कुछ आने वाले समय में घटनाक्रम होगा? क्या मदन सहनी को मनाया जाएगा? इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।